जय श्री कृष्ण। छठे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अनेक विधाएं बताई जिससे वो स्वयं का संयमन कर सकता है, खुद को कंट्रोल कर सकता है। फिर वो शरीर हो या मन, उन्हें कैसे कंट्रोल करना है, इसकी अनेक विधाएं भगवान बताते चले गए। और ये सारी बातें जब भगवान बता रहे थे तब अर्जुन के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठा और अर्जुन ने भगवान से पूछा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। भगवान, ये जो मन है, ये मन बड़ा चंचल है और ये प्रमाथि बलवद्दृढ़ है, ये इतना बलवान कि ये रुकता ही नहीं, ये छूट कर भाग जाता है, यहां वहां भागता रहता है, वायु से भी ज्यादा वेगवान है। मैं वायु को रोक सकता हूं लेकिन उससे भी वेगवान इस मन को रोकूं तो कैसे रोकूं। अर्जुन की यह बात बिल्कुल सही थी। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम काम कुछ कर रहे होते हैं और मन हमारा कहीं और चला जाता है। भोजन करते समय भी मोबाइल में देखते रहते हैं तो भोजन का स्वाद पता नहीं चलता। पढ़ाई कर रहा है बच्चा, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, उस समय उसको घर की याद आती है। मैदान पे जाता है तो ननियाल पहुंच जाता है। मन विमान से भी अधिक गतिमान, वायु से भी अधिक गतिमान, यहां वहां दौड़ता रहता है। और अर्जुन पूछ रहा है कि इसको रोकू तो कैसे रोकू। और इस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान मान रहे हैं यहां पर, असंशय महाबाहो, हे अर्जुन, तू जो बात कर रहा है वह असंशय निस्संशय बिल्कुल सही बात है। मनोदुर्निग्रहम चलम, यह मन निग्रह नहीं कर सकता, और अचलम यानी बहुत दौड़ने वाला भी है, लेकिन इसको रोकने की एक ही विधा है और वो विधा यह है, अभ्यासेन तु कौन्तेय, तुझे अभ्यास करना होगा। वैराग्येन च गृह्यते, यदि तू अभ्यास करेगा तो वैराग्य को भी प्राप्त हो सकता है। अब यहां पर अभ्यास और वैराग्य, ये दो शब्द जो है वो बड़े महत्वपूर्ण है। अभ्यास का मतलब केवल पढ़ना नहीं, केवल रटना नहीं। संस्कृत में अभ्यास का मतलब होता है प्रयत्न करना, प्रैक्टिस। भगवान कह रहे कि तुझे प्रैक्टिस करनी होगी, तुझे प्रयत्न करना होगा, और ऐसा प्रयत्न तू यदि करेगा तो स्वाभाविक रूप से तू वैराग्य को भी प्राप्त कर सकता है। वैराग्य का क्या मतलब है? वैराग्य का सीधा साधा मतलब है कि मन को एक जगह रोकने की जो कला है उसको कहते हैं वैराग्य। स्वामी विवेकानंद के जीवन की यह बड़ी सुंदर कहानी है। सर्वधर्म परिषद के लिए वो अमेरिका में थे और सागर के किनारे बैठकर कोई पुस्तक पढ़ रहे थे। उसी समय वहां पर कुछ युवा खेल खेलते हुए पहुंचे। उन्होंने अपने साथ कुछ अंडे लाए थे। उस अंडे के जो कवच थे वो समंदर में फेंके जा रहे थे और उनके साथ एक बंदूक थी। समुद्र की लहरों पर ऊपर नीचे उठते वो जो अंडे के छिलके थे उनको बंदूक की गोली से उड़ाने का प्रयास करते जा रहे थे। एक गोली गई, दो गोली गई। स्वाभाविक रूप से जब आवाज आई तो स्वामी विवेकानंद उस तरफ देखने लगे कि यहां क्या खेल चल रहा है। और जब किसी युवा ने गोली मारी और वो गोली लगी नहीं, तब स्वामी जी के चेहरे पर एकदम से हंसी आ गई। वहां इकट्ठा उन युवाओं ने पूछा कि आपको क्या लगता है, ये खेल इतना आसान नहीं कि हम गोली मारे और लग जाए? ये छिलके हिल रहे हैं, समंदर की लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऐसे छिलकों पर गोली चलाना कोई साधारण काम नहीं है। स्वामी जी ने केवल हंसते हुए अपनी गर्दन झुकाई। तो एक युवा ने पूछा कि आप करके दिखा सकते हैं? स्वामी जी ने कहा कि मैं प्रयास करता हूं। और स्वामी जी ने वो बंदूक अपने हाथ में ली। किसी युवक ने एक छिलका फेंका और स्वामी जी ने बिल्कुल एकाग्रता से उस छिलके पर निशाना साधा और पहले ही निशाने में छिलके के टुकड़े हो गए। युवाओं को लगा कि हो सकता है
ये एक योगा योग हो गया होगा। उन्होंने दूसरा छिलका फेंका, फिर तीसरा छिलका फेंका और हर बार उस छिलके के टुकड़े हुए। युवाओं ने पूछा स्वामी जी से कि यह कैसे संभव हुआ। स्वामी जी ने कहा कि मन की एकाग्रता से यह संभव होता है। आज से पहले मैंने कभी इस प्रकार बंदूक को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन जीवन में कोई भी काम करना हो तो ध्यान साधना ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और भगवान इस छठे अध्याय में कहते भी है कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे सांस लेनी चाहिए। प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, प्राण और अपान को समान करते हुए अपने नासिकाग्र पर ध्यान रखते हुए कुछ देर तक इस प्रकार का अभ्यास करना, अपना ध्यान एक जगह एकाग्र करना और साधना में रत होना। साधना का मतलब ही है कि कोई चीज को साधना। तो ध्यान और साधना यही अभ्यास है और इसी अभ्यास से मन एकाग्र हो सकता है, उसकी विधा छठे अध्याय में बड़े विस्तार से बताई है। आइए जानते हैं इस विधा को और आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण।